नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से एक को खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो कार्यरत हैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र, उनके नवीनीकरण को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। और उस आदेश में क्या क्या लिखा गया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र संविदा नियमावली में बिना किसी संशोधन के शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण समाप्त करके या तो पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षा मित्रों को धोखा दिया है, या फिर वर्तमान सरकार ने शिक्षा मित्र नेताओं को जो लगातार समायोजन करवाने और वेतनमान दिलवाने की पैरवी कर रहे हैं, उनकी औकात दिखा दी है कि आप लोग शिक्षा मित्रों को ठगने का प्रयास ना करें। शिक्षा मित्र की जो स्थिति वर्ष 2000 में थी, उस समय भी नवीनीकरण हुआ करता था प्रतिवर्ष, वही स्थिति 2024 में भी है। अर्थात 24 साल नौकरी करने के बाद भी जहां से शुरुआत हुई थी शिक्षा मित्रों की, वो स्थिति आज तक बनी हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लेटर है पूरा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें। तो ये है आदेश। यहाँ कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जहाँ से रिलीज किया गया है, वहाँ ये किसी ने इसको ब्लर कर दिया है, जो है हटा दिया है। और जो आदेश जारी किया गया है, इसका डेट जो है 6 मई 2024 ही यहाँ पर दर्शा रहा है। और यहाँ पे लिखा है पत्रांक संख्या 142-43 2024 पर समस्त प्रधानाध्यापक और इंचार्ज अध्यापक हैं विद्यालय में होते हैं, उनके लिए ये लिखा गया है। प्राथमिक विद्यालय हो या फिर कंपोस्ट विद्यालय हो, विकास खंड बार, ठीक है। विषय यहाँ पर रखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों की अधिकतम आयु, ठीक है, जहाँ शिक्षा मित्रों की अधिकतम आयु कितनी हो गई है हम आगे जानेंगे 31 मई 2024 के लिए उनके बारे में, और नवीनीकरण के संबंध में भी यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, यहाँ देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि पत्रांक जो पहले शासनादेश जारी किया गया था 23 अप्रैल 2023 के लिए, ठीक है, उस शासनादेश के क्रम में यहाँ आप देखेंगे जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी दिनांक 30/4/2024 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत समुदाय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों समुदाय पर कार्य करने हेतु तो अधिकतम आयु सीमा संबंध में शासन ने जारी किया गया था। तो शासन में वर्णित बिंदु संख्या 2 इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सम्यक विचारों उपरांत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 वर्ष की आयु तक, ठीक है, पूर्ण करने के दिनांक तक, उसके बाद जो उनकी स्वतः ही को जो है वहां से हटा दिया जाए। अर्थात जिन शिक्षा मित्रों की आयु 31 मार्च 2024 के लिए 60 वर्ष हो जाएगी तो उनको स्वतः ही पद से इस्तीफा माना जाएगा। इसके बाद निम्न बिंदु 3 पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मित्र योजना कार्यान्वयन से समेत पूर्व निर्गत शासन देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए कि शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण के संबंध में आरबी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, संख्या ये पड़ी हुई है, वैश्विक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 15 जून 2022 के अनुपालन में प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण हेतु, ठीक है, करने के यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य तो आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएगी एवं परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्र जो अधिकृत अवकाश के बिना लगातार 6 माह से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, ऐसे शिक्षा मित्रों के संबंध में तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। उक्त शासनादेशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा मित्र की आयु संबंधी संविदा सेवा जांच कर आख्या एवं यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा 31 मार्च 2024 तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव पारित कराकर अनिवार्य रूप से VRC कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। कार्य अर्थात महत्वपूर्ण है, लापरवाही किसी दिशा में क्षम्य नहीं है। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी हैं कहाँ के, जो कहने का आशय है इस लेटर में आप समझ गए होंगे। तो
तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।